हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की कि आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन जिलों में होने वाली है बारिश की कितनियाँ और किन जिलों में रहने वाला है मौसम शुष्क। आइए शुरू करते हैं वीडियो में आपको बंगाल की खाड़ी में बने मानसूनी सिस्टम से राजस्थान में कब तक बारिश की गतियाँ शुरू होने की संभावना है, साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से राजस्थान के किन संभागों में भारी बारिश की गतियाँ होने वाली हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने वर्तमान सिस्टमों की। बात करें तो मानसून की अक्षीय रेखा बीकानेर, गंगानगर, हिसार, नई दिल्ली, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, कोरबा, भुवनेश्वर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में बने एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक बनी है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर के आसपास बना है। ये इस क्षेत्र में कहीं जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, शुरू, झुंझुनू, सीकर तक काफ़ी भारी बारिश की गतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं आने वाले 6 से 12 घंटों के अंदर। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो बिहार, यूपी के आसपास बना है, जिसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना है, ये जो जल्द ही एक लो प्रेशर एरिया और उसके बाद एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। 6 सितंबर को बात करें तो ये एक लो प्रेशर एरिया और 7 सितंबर को एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनते हुए तटीय भागों में प्रवेश करने की संभावना है और 8 सितंबर को लगभग राजस्थान के कोटा संभाग तक पहुंचने की संभावना है। बाद में इसके ट्रैक में कुछ संशय जैसी स्थिति है, क्योंकि 3 ट्रैक बन रहे हैं लगभग, एक जो अजमेर जो होते हुए जोधपुर संभाग की ओर बन रहा है और दूसरा अजमेर संभाग से बीकानेर और दूसरा अजमेर से कोटा संभाग से होते हुए दिल्ली की ओर जाने की संभावना है। ये ट्रैक की बात करें वर्तमान में आप देख सकते हैं ये 7 सितंबर को लगभग तटीय भागों में प्रवेश करते हुए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगा और 7 सितंबर की रात को ये मध्य भारत तक पहुंचने की संभावना है। 8 सितंबर होते हुए राजस्थान के पूर्वी भागों के पास कोटा संभाग तक पहुंचने की संभावना है। लगभग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इससे 7 सितंबर से ही बारिश की गतियाँ शुरू होने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं IMD के मॉडल के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में आज 4 सितंबर को किस प्रकार की बारिश की गतियाँ रहने की संभावना है। राजस्थान की बात करें तो आज जोधपुर, जयपुर के आसपास, अजमेर के कई जिलों में IMD के मॉडल के हिसाब से भी देखा जाए तो इन क्षेत्र में बारिश की गतियाँ होने की संभावना है, परंतु इन क्षेत्र में मात्र आज खंड बारिश की गतियाँ देखने को मिलेगी। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर संभाग में भी आज कहीं कहीं खंड बारिश की गतियाँ देखने को मिलेगी। विस्तृत जानकारी आगे राजस्थान के मानचित्र के हिसाब से आपको बताई जाएगी। आइए सुबह 7 बजे के अनुसार देखा जाए संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज हैं और किन किन क्षेत्रों में बादल बने हुए हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बीकानेर, शुरू, सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के आसपास कुछ सुबह से कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ आपको देखने को मिली थी और इन क्षेत्रों में ये बारिश की गतियाँ दोपहर तक काफ़ी विस्तार से बढ़ती हुई गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, शुरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। बाकी बात करें कोटा, टोंक, झालावाड़ के आसपास भी सुबह से ही कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है उससे पहले एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो यूपी और बिहार के आसपास बना हुआ है, उन सिस्टम से राजस्थान के पूर्वी भागों में नमी पर्याप्त मात्रा में पहुँच रही है, जिस कारण से इन क्षेत्र में बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के अंदर कैसा रहने वाला है मौसम। यदि बारिश की बात करें आज बारिश की बात करें तो बीकानेर, शुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। नागौर व अजमेर के क्षेत्र में भी आज कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं तेज बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान के जिलों में आज खंड बारिश के आसार हैं, हो सकता है 1-2 इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। 30% इलाकों में खंड बारिश की संभावना है और 70% इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आज कहीं कहीं खंड बारिश की गतियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, परंतु ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, क्योंकि जो सिस्टम बना है बंगाल अरब सागर में बना हुआ सिस्टम
पाकिस्तान के आसपास बना हुआ सिस्टम नजदीक होने के कारण कुछ पाकिस्तान से सटे इलाकों में जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्रों में आज कहीं कहीं बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी जालौर सिरोही पाली राजसमंद उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी आज कहीं कहीं खंड बारिश की गिद्दियां आपको देखने को मिल सकती हैं। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ टोंक के क्षेत्रों में भी आज कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश के साथ खंड बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं, परंतु ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दौसा भरतपुर धौलपुर करौली के क्षेत्र में भी आज कहीं कहीं तेज खंड बारिश की गिद्दियों की शुरुआत के साथ देखने को मिल सकती है, परंतु इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मौसम शुष्क भी रहने की संभावना है। बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू जोधपुर नागौर के क्षेत्र में आज कहीं कहीं तेज बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं, परंतु जोधपुर नागौर के क्षेत्र में कहीं कहीं मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयपुर सीकर झुंझुनू चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में आज कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गिद्दियां देखने को मिल सकती हैं। इक्यादिको इलाकों में मौसम यहाँ पर भी शुष्क रहने की संभावना है। 7 सितंबर से राजस्थान में बारिश की गिद्दियों की बात करें तो नया सिस्टम से कोटा संभाग में 7 सितंबर से बारिश की गिद्दियों की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 8 सितंबर से राजस्थान के लगभग पश्चिमी भागों तक बारिश की गिद्दियों की शुरुआत देखने को मिलेगी और 9 सितंबर से संपूर्ण राजस्थान में आपको बारिश की गिद्दियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें विशेषकर कोटा अजमेर जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की गिद्दियाँ और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं भारी बारिश की गिद्दियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर संभाग में कहीं कहीं खंड तेज मूसलाधार बारिश की गिद्दियाँ भी इस सिस्टम से आपको देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ पाली जालौर सिरोही बूंदी कोटा बारा झालावाड़ में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गिद्दियाँ लगभग 9-10 सितंबर से देखने को मिल सकती हैं। 7 सितंबर से जो बारिश का दौर शुरू होगा वो लगभग 13-14 सितंबर तक चलने की संभावना है। उसके बाद एक नया सिस्टम से भी 15 सितंबर से राजस्थान में एक नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। तो बारिश की बात करें तो आने वाले लगभग 15 दिन तक राजस्थान में लगभग बारिश जारी रहने की संभावना है। कई इलाकों में मौसम शुष्क के साथ कहीं खंड बारिश के साथ तो कई बार मूसलाधार भारी बारिश की गिद्दियों के साथ ये लगभग 15 दिन गुजरने वाले हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो राजस्थान में बारिश के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। लगभग 20 सितंबर तक राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।